नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक लाइफ स्टाइल को देखते हुए बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो यदि हम प्रेजेंट टाइम में लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि बेडरूम में एक बढ़िया आलमारी हो जिसमें आप कपड़े और किताबें रख सकें, और अलमीरा के साथ साथ एक बढ़िया डबल बेड हो जिसपे आप अच्छे से रिलैक्स होकर सो सकें। डबल बेड के साथ साथ बेडरूम में एक सोफा सेट होना चाहिए जिस पर आप बैठकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ऑफिस का वर्क कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में एक आलमारी आ जाए और एक डबल बेड आ जाए और एक सोफा सेट आ जाए तो आपको बेडरूम का साइज क्या रखना चाहिए। और सेकंड हम ये भी देखेंगे, यदि आपके पास जमीन कम है और आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में केवल एक आलमारी आ जाए और एक डबल बेड आ जाए तो इस सिचुएशन में आपको बेडरूम का साइज क्या रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एक अलमीरा रखी गई, अलमीरा के बाद एक डबल बेड रखा गया। यहाँ पर आलमारी और डबल बेड के बीच कुछ जगह आप देख सकते हैं छोड़ दी गई है, जिससे आप आसानी से आ जा सके और साइड में आप कुछ रख सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में एक टेबल रखा गया है, तो इसी तरीके से आप भी टेबल रख सकते हैं। और डबल बेड के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई और उसके बाद सोफा सेट लगा दिया गया। और यदि हम बेड के सामने की बात करें तो आप सामने भी देख सकते हैं कि आने जाने के लिए एक अच्छा रास्ता बच रहा है। तो चलिए अब हम साइज की बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में आलमारी, डबल बेड और इसके साथ साथ सोफा सेट आ जाए तो आपको बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 15 फीट रखना है। आप देख सकते हैं कि बेडरूम का जो साइज है यहां से लेकर यहां तक वो 12 फीट यानी कि 12 फीट है। और यदि हम इधर के साइज की बात करें तो उस किनारे से लेकर जहां तक सोफा सेट लगा हुआ है वहां तक की जो लंबाई है वो 15 फीट है यानी कि 15 फीट है। तो एक अच्छे बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 15 फीट या फिर 10 फीट बाई 15 फीट होना चाहिए, जिसमें आपका आलमारी आ जाएगा, डबल बेड आ जाएगा और सोफा सेट आ जाएगा। और इसके साथ साथ आसपास इतनी जगह बचेगी कि आप फ्रिज रख सकते हैं, कूलर रख सकते हैं और सामने की दीवार में आप टीवी भी लगा सकते हैं। और यदि आप टीवी टेबल पर भी रखना चाहते हैं तो टेबल पर भी आपकी टीवी आ जाएगी। तो चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि आपके पास जगह कम है और कम से कम जगह में आप एक अच्छा बेडरूम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बेडरूम में एक आलमारी आ जाए और एक डबल बेड आ जाए तो आपको बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 10 फीट आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक आपको 12 फीट रखना है और यहां से लेकर यहां तक आपको 10 फीट रखना है। यदि आप 10 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम बनाते हैं तो आपके बेडरूम में आलमारी और डबल बेड अच्छे से आ जाएगी और रूम में आपको आने जाने के लिए पर्याप्त जगह भी मिलेगी। और यदि हम बेडरूम के मिनिमम साइज की बात करें तो आपको बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट बाई 10 फीट से कम नहीं रखना चाहिए। यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट भी रखते हैं तो आपके बेडरूम में आलमारी और एक डबल बेड आ जाएगा, लेकिन बेड के आसपास और आलमारी के आसपास आपको थोड़ा कम स्पेस मिलेगा, जिससे आने जाने में और भी थोड़ा सामान रखने में आपको दिक्कत हो सकती है। So, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको बेडरूम का साइज क्या रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।